Hello everyone, this is Professor Pavan Shonkar and I welcome you in 30th lecture of Mechanics of Material, and today we will discuss 7th numerical. So here we go. Draw SFD VMD for given beam in overhanging beam. So given type of beam is a overhanging beam in which point C and point E are overhang, just like a cantilever, and point A and point B are supported, and point D is a middle point for the given beam. Okay. तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं हाउ टू सॉल्व. सबसे पहले देखो FBD ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स है सभी पे पॉइंट लोड ही गिवन है, कोई UDL या फिर UVL गिवन नहीं है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे. जैसे यहाँ पे शो हो रहा है ऑलरेडी कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे रिएक्शन फोर्सेस मतलब सपोर्टेड है, ये ऐसा है सपोर्टेड रहेगा. ओके, तो यहाँ पे आर ए और आर बी हम निकालेंगे. तो लेट अस स्टार्ट फॉर रिएक्शन फोर्सेस. रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले मोमेंट लेते हैं सपोर्टेड पॉइंट पे, तो हम रिएक्शन फोर्स एट ए कैलकुलेट करेंगे. सॉरी, रिएक्शन फोर्स के लिए हम मोमेंट एट ए कैलकुलेट करेंगे एंड इक्वेट करेंगे जीरो के साथ में, कंसिडरिंग गिवन बीम इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले तो ये जो 800 न्यूटन फोर्स है वो घूमेगा इतने डिस्टेंस से ए पॉइंट तक, कितने डिस्टेंस से, 3 मीटर से. सो 800 इंटू कितना, 3. कैसा घूम रहा है ये फोर्स, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं हम. उसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, 2000 है, 2000 ये वाला कितने डिस्टेंस से घूम रहा है ए पॉइंट पे, दिख रहा है हमें 5 मीटर से घूम रहा है. सो इनटू 5, ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज. तो ऑलरेडी क्लॉकवाइज है माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है प्लस, क्लॉकवाइज है माइनस. उसके बाद में ये 1000 घूमेगा, चलो ठीक है, ये पहले आर बी भी घूमेगा ना, यहाँ पे आर बी है. ठीक है, तो आर बी घूमेगा कितने डिस्टेंस से, यहाँ पे दिया है 8 मीटर से. सो और ये कैसे घूमेगा, ये घूमेगा ऐसा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस आर बी इंटू कितना, 8. लास्ट में बचा आपका ये 1000 न्यूटन. तो 1000 न्यूटन ए पे घुमाना है हमें, तो डिस्टेंस कितना है, ये 8 + 2 = 10. तो 1000 × 10 और कैसे घूमेगा, ये घूमेगा कैसे दिख रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए माइनस इक्वल टू 0. ठीक है, हमने मोमेंट किस पे कैलकुलेट किया, ए पे कैलकुलेट किया. तो इस हिसाब से 800 × 3 माइनस 2000 × 5 प्लस आर बी इंटू 8 माइनस 1000 × 10, इतना कैलकुलेशन करना है आपको. इस पे से डायरेक्ट कैलसी पे निकल जाएगा आपका आर बी. ओके, आप पार्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, ये पूरा कैलकुलेट करके बाद में आर बी इंटू 8 इक्वल टू साइन की इधर लेके जाओ. सो यू कैन सॉल्व इट, नो इशू. सो इस हिसाब से आर बी मिल जाएगा आपको, और आर बी आना चाहिए आपका 2200 न्यूटन. इजी, आप कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो. नाउ आर ए कैसे मिलेगा, आर ए मिलेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन से, नीचे आने वाले फोर्सेस इक्वल टू ऊपर जाने वाले फोर्सेस. सो ऊपर जाने वाले फोर्सेस हमारे पास में है रिएक्शन फोर्स आर ए प्लस आर बी. ठीक है, ये एक फोर्स और ये आर बी एक फोर्स, ये वर्टिकली अपवर्ड है, इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स. सो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स क्या है, 800 प्लस 2000 प्लस 1000, सो 3800, सीधा 3800. इस पे से हमें क्या मिल जाएगा, आर ए मिल जाएगा. आर ए विल बी 3800 माइनस 2200. इस हिसाब से आर ए क्या मिल जाएगा आपका, 3800 माइनस आर बी को माइनस कर देंगे इसमें से, आर बी था हमारा 2200, सो इक्वल टू 1600 न्यूटन. ये क्या आया आपका, आर ए आया. ओके, तो मैं यहाँ पे आर ए और आर बी की वैल्यूज लिख देता हूँ. आर ए आया हमारा 1600 न्यूटन और आर बी आपको मिला है 2200 न्यूटन. ओके,
नाउ एबीडी ऑलरेडी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि सभी पॉइंट लोड है। हम एबीडी कब ड्रॉ करते हैं? जब यूडीएल या फिर यूवीएल है, जिसको हमें पॉइंट लोड पे कन्वर्ट करना है बाद में बेंडिंग मूवमेंट के लिए या फिर शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए हम उसको एबीडी बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये एबीडी है। नाउ अब सीधे सीधे शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। शेयर फोर्स एट सभी पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लास्ट पॉइंट से। अब पूरा प्रॉब्लम हम राइट हैंड से इस तरफ एंड पॉइंट तक, लेफ्ट हैंड तक सॉल्व करेंगे, सी पॉइंट तक, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ई है, तो ई पे कितना है फोर्स? 1000, और वर्टिकली डाउनवर्ड है इसलिए पॉजिटिव है। ओके, साइन कन्वेंशन याद हो जाना चाहिए अब तक। शेयर फोर्स राइट हैंड साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड है, पॉजिटिव, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉक वाइज है, पॉजिटिव, ठीक है। अगर वैसा नहीं रहा तो निगेटिव। तो पॉजिटिव क्या है यही हमें याद रखना है। राइट हैंड साइड में शेयर फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए और बेंडिंग मोमेंट राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉक वाइज होना चाहिए, बस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी। बी तक आपके पास में कितने फोर्सेस है? तो बी पे है 1000 है और बी पे है 2200, सो 1000 पहले तक, और ये जो बी वाला आरबी है वो वर्टिकली अपवर्ड है इसलिए वो माइनस हो जाएगा, सो -2200, सो 1200 ये माइनस फोर्स आपको मिलेगा बी पे। समझ में आ गया? यहाँ पे यहाँ तक, ओके। उसके बाद में जाएंगे हम डी पे। तो डी के पहले तक के कितना था? डी के पहले तक है -1200, गॉट इट, और डी पे है वर्टिकली डाउनवर्ड 2000 का फोर्स, दिख रहा है यहाँ पे, ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है। तो डी के पहले तक कितना था हमारे पास में? 1000 -2200, मतलब -1200 +2000, सो ये हो जाएगा आपका कितना? 800 पॉजिटिव, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये पे देख लेते हैं। डी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट के बाद में है ए पॉइंट हमारे पास में। ए पॉइंट के पहले तक कितना फोर्स कैलकुलेट किया आपने? ए पॉइंट के पहले तक आपने कैलकुलेट किया जो डी तक जितना था वो, तो डी तक था हमारे पास में 800, और ए पे क्या हो रहा है? ए पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, हमें तो वर्टिकली डाउनवर्ड चाहिए, सो -1600, 800 -800 न्यूटन ए पे लगेगा। लास्ट पॉइंट है आपका सी। तो सी के पहले तक कितना फोर्स है? -800 है ना, और सी पे कितना है? +800, सो ये हो गया 0, गॉट इट। तो इस हिसाब से हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखो ई पे है 1000, बी पे है -1200, डी पे है 800, ए पे है -800, सी पे है 0, सो लेट अस गो फॉर शेयर फोर्स डायग्राम। तो यहाँ पे बनाएंगे हम शेयर फोर्स डायग्राम SFD, यहाँ पे सी ए, उसके बाद में डी बी एंड ई। ई पे कितना था? ई पे है 1000, तो और पॉजिटिव है, तो ये गए सपोज हम 1000, ठीक है, वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 1000, याद हो गया बारीक, थोड़ा सा अच्छे से निकाल दे इसको, चलो। बी पे कितना है? प्रीवियस स्लाइड पे देखते हैं, बी पे है -1200 है, माइनस इसलिए नीचे और थोड़ा सा यहाँ पे सपोज, तो -1200 है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट लोड है तो हॉरिजेंटली ही ट्रैवल होगा, बराबर है, यहाँ पे ऐसा आएगा क्या? ये E2 माइनस यहाँ पे वैल्यू है 1200 माइनस है क्योंकि नीचे आ गया, तो यहाँ से इस पॉइंट पे इंक्लाइनली ट्रैवल करेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट लोड है ना,
तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन होनी चाहिए, इसलिए हॉरिजेंटल मतलब क्या है, तो यहाँ पे हॉरिजेंटली ही 1000 ही ट्रैवल करेगा और फिर यहाँ पे जीरो होके -1200 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका बी पे -1200 न्यूटन। नेक्स्ट डी पे क्या है, डी पे है 800 न्यूटन। डी पे 800 न्यूटन है, पॉजिटिव है, सपोज मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। फिर से ऊपर देखो, बी और डी के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब इधर पॉइंट लोड ही है ना, तो यहाँ पे फिर से इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेगा क्या, इंक्लाइन लाइन ट्रैवल करेगा क्या, नहीं, यहाँ पे हॉरिजेंटल ही मूव करना है, हॉरिजेंटल मूव करना है, इसलिए फिर डी तक फिर से -1200 जाएगा और यहाँ पे जीरो होके +800 जाएगा। गॉट इट, क्लियर। ये हो गया आपका 800 न्यूटन। फिर से आप ए चेक करेंगे, ए पे कितना, ए पे कितना है, ए पे है आपका -800 न्यूटन, -800 न्यूटन ए पे है। तो चलो यहाँ पे सपोज हमें यहाँ पे आना है। फिर से ऊपर देखो, डी टू ए क्या है, यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है, पॉइंट लोड ही है, पॉइंट लोड है तो हमें हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करना है, इसलिए फिर यहाँ पे पॉजिटिव 800 टू, यहाँ पे भी पॉजिटिव 800 जाएगा, मतलब यहाँ पे 800 न्यूटन आएगा पहले, बाद में हो जाएगा जीरो, और जीरो से फिर बाद में -800 आएगा, वो 800 न्यूटन। ये हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं कि ऊपर जो क्वेश्चन दिया है तो वहाँ पे पॉइंट लोड है, इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ होगी, अगर यहाँ पे यूडीएल होता तो हम इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते। ओके, तो ये हो गया आपका 800। सी पे कितना है, जीरो है, अभी सी पे जीरो आना है। फिर से देखो, ए टू सी क्या है, पॉइंट लोड है, कुछ भी नहीं है बीच में, पॉइंट लोड है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, तो -800 टू -800 ही जाना है हमें यहाँ पे। मैंने माइनस नहीं लिखा क्योंकि मैं बॉटम लाइन के नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ सब कुछ, और फिर बाद में हो जाएगा यहाँ पे जीरो। ओके, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव ग्राफ। और ये वाला भी, ये सब पॉजिटिव ग्राफ हो गया, और ये हो गया आपका निगेटिव ग्राफ, ये हो गया आपका निगेटिव ग्राफ। गॉट इट, क्लियर है। तो ये हो गया हमारी सेफ्टी। तो यहाँ पे देखो, ए पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे शियर फोर्स वैल्यू कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। तो हमें लोकेट करने की जरूरत है कि ए पॉइंट कहाँ पे, ऑलरेडी पता है ना ए पॉइंट कहाँ पे आपका, जैसे हम पहले पिछले न्यूमेरिकल में जहाँ पे शियर फोर्स वैल्यू जीरो होती थी वो हम पॉइंट निकालते थे, तो ये पॉइंट तो हमें पता है कि कहाँ पे है, तो सपोर्ट पे ही शियर फोर्स जीरो हो चुका था यहाँ पे, तो किसी भी एंड से हमें ये डिस्टेंस पता है, जैसे ये 3 मीटर पे है, यहाँ पे डी पॉइंट कहाँ पे हमें पता है 5 मीटर पे है यहाँ से, या फिर इतने से 8 मीटर पे है, तो हर पॉइंट हमें पता है, इसलिए लोकेट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। देखो, अभी बेंडिंग मोमेंट के लिए फिर से हम वैसे ही सॉल्व करेंगे उसको राइट हैंड से इधर। तो सबसे पहले हमारा ई पॉइंट, फिर बी, फिर डी, फिर ए और बाद में सी, इस हिसाब से हम जाएंगे। सो बेंडिंग मोमेंट एट ई कितना होना चाहिए, सबसे पहले ई पे। तो ई पॉइंट क्या है, देखो अगर मैं कंसिडर करूँ सपोज बी टू ई वाला, या फिर पूरे बीम में देखो आप, सी पॉइंट और ई पॉइंट क्या है, वो ओवरहैंग पॉइंट है, फ्री एंड है। तो अगर हमने कैंटिलीवर बीम इतना सिलेक्ट किया सपोज बी टू ई, तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा फ्री एंड हो गया, या फिर ए टू सी किया तो सी भी फ्री एंड हो गया। तो जो फ्री एंड है दे आर बिहेविंग एज अ कैंटिलीवर, कैंटिलीवर्स फ्री एंड, इसलिए फिर पॉइंट सी पे और पॉइंट ई पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा। सो बेंडिंग मोमेंट एट ई एंड एट सी इक्वल टू जीरो। आर यू एग्रीड, फ्री एंड है इसलिए फिर वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जीरो क्यों लिया, ये तो क्लियर है कि यहाँ पे ये फ्री एंड है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे जीरो हो गया। आप यूजुअली बी पे निकालो, डी पे निकालो, ए पे निकालो और सी पे भी निकालो, तो जब लास्ट में हम सी पे निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट जीरो ही आएगा। ओके, तो डायरेक्ट आप जीरो लो या फिर कैलकुलेट करो, नो इशू। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे बी पे, बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या रहेगा। ये जो वर्टिकल फोर्स है वो इतने डिस्टेंस से घूमेगा, 1000 घूमेगा टू से,
1000 फोर्स घूम रहा है 2 मीटर से, कैसे घूमेगा? ये घूमेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। तो ये हो गया आपका माइनस 2000 क्या न्यूटन मीटर, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फोर्स इनटू डिस्टेंस है बेंडिंग मोमेंट, सो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डी, चलो डी पे, डी तक कितने फोर्सेस है हमारे पास में? 2 फोर्सेस है, एक ई पॉइंट पे है 1000 का और एक बी पे है आर बी, ओके। तो सबसे पहले ई कितना है, 1000 घूमेगा आपका, क्वेश्चन में देखो ये पॉइंट घूमे, ये फोर्स घूमेगा डी पे, कितने डिस्टेंस है देखो, अभी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं, हमें इतना डिस्टेंस चाहिए। तो ये टोटल डिस्टेंस है 8 मीटर, इसमें का ऊपर देखो ये 5 मीटर है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 3 मीटर होगा, ठीक है। तो हमें ई वाला फोर्स डी पे घुमाना है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 3 + 2 = 5, सो 1000 घूमेगा 5 मीटर से, समझ में आ गया। वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा इसलिए माइनस, तो 1000 × 5 और वो माइनस रहेगा। डी पे ही, डी तक सभी फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं हमें, तो डी तक ये आर बी घूमेगा, आर बी की वैल्यू क्या थी हमारी, आर बी की वैल्यू थी 2200 और आर बी कितने डिस्टेंस से घूमेगा, 3 मीटर से डी पॉइंट तक, सो 3। इसका डायरेक्शन साइन क्या रहेगा, साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, देखो आर बी घूम रहा है डी पे, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस। तो डी पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, माइनस 5000 प्लस 2200 × 3, तो बी पे सॉरी डी पे आना चाहिए, डी पे आना चाहिए 1600 न्यूटन मीटर, ओके 1600 न्यूटन मीटर डी पे आ गया। डी के बाद में अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ए पे, ए पे चेक करो, ए तक जितने फोर्सेस है फिर से घुमाओ, सबसे पहले लास्ट वाला फोर्स आपका 1000 वाला, सो 1000 × ए तक वो डिस्टेंस चेक करो, लास्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इतना डिस्टेंस हमें चेक करना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये तो दिख रहा है हमें कि ये 8 मीटर है और ये 2 मीटर, सो 8 + 2 = 10 मीटर हो गया, सो 1000 घूमेगा 10 डिस्टेंस है 10 मीटर से, और कैसा घूमेगा, 1000 ये फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसलिए माइनस, ओके। नाउ आर बी घूमेगा, आर बी 2200 × आर बी, यहाँ पे आर बी है और हमें ए पे निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है, ये 3 था और ये 5 है ना, ये 5 है और ये 3 है, सो 5 + 3 = 8, सो 2200 घूमेगा 8 मीटर से, कैसा घूम रहा है, आर बी कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स, और ये ऐसा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस। और कौन सा फोर्स है, फिर से एक डी पे भी फोर्स है, डी पे 2000 डिस्टेंस देखो डी से ए तक का कितना है, 5 मीटर है, 5, और ये कैसे घूमेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, अगर इसको घुमाएंगे तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस। तो सभी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट हमने माइनस लिए और सभी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज हमने प्लस लिए है एज पर अवर साइन कन्वेंशंस डिस्कस्ड अर्लियर, ओके। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आएगा, वो आना चाहिए -2400 न्यूटन मीटर, ओके। एंड लास्टली सी पे, सी पे तो मैंने बोला कि जैसे फ्री एंड है, ओके तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0, हमने ऊपर ऑलरेडी लिख के रखा ही है, बेंडिंग मोमेंट एट सी विल बी 0, ठीक है। चलो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये आपकी बेस लाइन, ट्राई टू ड्रॉ दिस लाइन वेरी स्ट्रेट, दिस इज अ बीएमडी एंड सी ए D, B एंड E, ये पॉइंट है,
चलो ई और सी पे तो जीरो है, नो इशू। बी पे कितना है, बी पे बेंडिंग मोमेंट आया -2000, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रख दिया, यहाँ पे सपोज ड्रॉ करना है। ऊपर देखो ई टू बी शियर फोर्स में, ई टू बी ग्राफ कैसा है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा आएगा, इनक्लाइन लाइन आएगा, तो ये आएगा आपका इनक्लाइन लाइन, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी थी, 2000 न्यूटन मीटर। देन डी पे कितना है, डी पे पॉजिटिव 1600 सपोज यहाँ पे, ओके। एवरेज वैल्यू लेनी है, कुछ हमें मेजर करके कैलकुलेट नहीं करना है। ऊपर देखो बी टू डी ग्राफ कैसा है, सभी का सभी हॉरिजॉन्टल ही है, हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का पूरा ग्राफ इंक्लाइन लाइन से ड्रा होगा, तो यहाँ पे 1600 आना है, यहाँ पे हम नीचे है -2000 पे है, इसलिए फिर ये ग्राफ आपका इंक्लाइन निकलेगा। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे इंक्लाइन, ओके। देखो अब शेयर फोर्स सडनली यहाँ पे इसके बीच में कहीं तो भी जीरो हो गया है, बाद में डिस्कस करते हैं उसको। ए पे कितना है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए, ए पे है 2400 लेकिन माइनस है, सपोज मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो, और ऊपर का ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, देखो ए टू डी हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे इंक्लाइन लाइन, तो यहाँ पे इंक्लाइन लाइन हमें ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ है तो इंक्लाइन लाइन, तो यहाँ पे फिर से ए और डी के बीच में भी अपना बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो हो गया, ओके। नाउ सी पे कितना है, जीरो है। ए टू सी ग्राफ कैसा, हॉरिजॉन्टल, तो ए टू सी यहाँ पे बीएमडी में ग्राफ कैसा आएगा, इंक्लाइन लाइन, ओके। तो ये हो गया आपका ग्राफ, तो ये हो गया आपका निगेटिव ग्राफ, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया आपका निगेटिव। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट है सपोज मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे O1 एंड O2, ये मैंने पॉइंट क्यों मार्क किए कि यहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो हुआ है। इससे पहले हमने जो पॉइंट निकाले जैसे शियर फोर्स जीरो हो गया तो वो हम पॉइंट लोकेट करते थे, ठीक है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हुआ है वो भी पॉइंट हमें लोकेट करने हैं, ठीक है। तो सपोज ये जो O2 है इसका मैंने पोजिशन ले लिया, सपोज ये ए पॉइंट से एक्स इतने डिस्टेंस पे है सपोज, और ये बी पॉइंट सपोज वाई इतने डिस्टेंस पे, ओके, या फिर x1 x2 कर दो आप, जो आपको ठीक लगे वो। अब बस ये लोकेट करना है कि यहाँ पे जो O2 और O1 पॉइंट है वो ए पॉइंट से या फिर बी पॉइंट से कहाँ पे है। आप ये लोकेशन कैसे भी दे सकते हैं, डी से भी दे सकते हैं, इधर ई से भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, तो नियर बाय जो पॉइंट है आपको चूज करना है। तो मैंने सपोज ये ए से दे दिया, ओके, या क्योंकि सपोर्टेड एंड से आपको शो करना है, ऐसे नहीं कि मैं सी पॉइंट से दूँ क्योंकि ये तो फ्री एंड है। सपोर्टेड पॉइंट कौन सा, आपका ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट को मैंने सपोर्टेड एंड से शो कर दिया। जो बेंडिंग पॉइंट जहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट जीरो मिल रही है जिस पॉइंट पे, उन पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सचर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सचर O1 एंड O2, ये दो पॉइंट है। तो इन दो पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन निकालेंगे कि भाई कहाँ पे है डिस्टेंस इसका ए पॉइंट से या फिर बी पॉइंट से क्या है, ओके। सो फॉर O1 देखो O2 करेंगे सबसे पहले, O2 इसलिए क्योंकि ये इधर है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे जो पॉइंट है मैं नाम दे रहा हूँ ई तक दे दिया, सपोज यहाँ पे O2 दिया आपने, यहाँ पे O1 दिया है, चलेगा। तो O2 पे आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट ऑलरेडी कितना है यहाँ पे, जीरो है कि बेस लाइन है और O2 पॉइंट यहाँ पे है ना, बेंडिंग मोमेंट जीरो है। लेकिन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम क्या फोर्स इंटू डिस्टेंस करते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ इसको फोर्स को, जैसे यहाँ पे O2 मतलब यहाँ पे सपोज, या फिर ऊपर देखो सपोज यहाँ पे O2 है आपका, यहाँ पे O2 है, तो इस पॉइंट तक आपको क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। हमने ए से ये डिस्टेंस क्या शो किया है, एक्स शो किया है, क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, ओके। चलो तो ओ पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। आप ये पार्ट पूरा का पूरा राइट हैंड वाला भी सॉल्व कर सकते हैं,
लेफ्ट एंड भी सॉल्व कर सकती है, नियर बाय लेफ्ट एंड में कम कैलकुलेशन है तो मैं लेफ्ट एंड सॉल्व कर रहा हूँ इसको। सो ऑन लेफ्ट हैंड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड में O2 तक जितना बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो रहा है वो कैलकुलेट करो। तो बेंडिंग मोमेंट एट O2 कितना है, वैसे तो ऑलरेडी जीरो है, ऑलरेडी जीरो है ना, बस वहाँ तक बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है देखो, ये 800 वाला फोर्स 800 और डिस्टेंस कितना है यहाँ तक, ये डिस्टेंस है 3, ठीक है, ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस है x, सो 3 प्लस x हो गया, 3 प्लस x। कैसे घूम रहा है ये फोर्स 800 अबाउट O2, कैसा घूम रहा है, ये घूम रहा है ऐसा एंटी क्लॉक वाइज। गाइज अभी तक हम राइट हैंड साइड चेक कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड में कैसा है साइन कन्वेंशन, ये आपका बीम है, ये आपका सेक्शन है, लेफ्ट हैंड में आपका जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज चाहिए, ये लेफ्ट हैंड है, और राइट हैंड में आपका बेंडिंग मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में दिख रहा है हमारा 800 जो फोर्स है वो ऐसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए माइनस है ये, ओके दिस इज माइनस। नाउ O2 तक दूसरा फोर्स क्या है हमारे पास में, आर ए भी है, आर ए की वैल्यू क्या थी, 1600 इंटू डिस्टेंस कितना है आर ए का ओ पॉइंट से, ये तो हमने ऑलरेडी लिया, कितना एक्स लिया था नहीं है, इंटू एक्स, और कैसे घूम रहा है आर ए वर्टिकली अपवर्ड है तो ये ऐसा घूमेगा क्लॉकवाइज। हम लेफ्ट हैंड साइड में चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, इसलिए प्लस है। सो जीरो इक्वल टू माइनस 800 इंटू 3 प्लस एक्स प्लस 1600 इंटू एक्स, तो यहाँ पे इजीली एक्स निकल जाएगा आपका, ठीक है, इक्वेशन पुट अप करो कैलसी में, माइनस 800 प्लस इंटू 3 प्लस एक्स प्लस 1600 इंटू एक्स, तो यहाँ पे एक्स निकल जाएगा, सो एक्स आना चाहिए 3 मीटर, ओके 3 मीटर आएगा ये कैलकुलेशन आपका, तो ये हमने निकाला था एक्स, तो ये आ गया आपका 3 मीटर, गॉट इट। नाउ अब निकालेंगे हम ये डिस्टेंस जो हमने y टर्म किया उसको, और जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है, नियर बाय कैलकुलेशन, छोटा कैलकुलेशन क्या पड़ रहा है आपको, राइट हैंड साइड वाला, बस इतना e से o1 तक, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड, अब इस बार हम लेफ्ट हैंड लेंगे तो d पॉइंट पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, बहुत सारा कैलकुलेशन इसमें आएगा, तो जितना कम कैलकुलेशन है वो हम करेंगे। सो फॉर o1, अब O1 तक हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो O1 देखो मैं ऊपर क्वेश्चन में शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, यहाँ पे है O1, और O1 का डिस्टेंस B पॉइंट से हमने लिया सपोज Y या फिर X, Y ले लिया ना हमने, ठीक है Y, चलो ठीक है। सबसे पहले अब O1 तक जितने फोर्सेस है राइट हैंड साइड में सबके सब सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये E पे फोर्स है 1000 है, 1000 इंटू ओ वन पे घुमाना है, बी से ई डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आपका 2 मीटर और ये डिस्टेंस है वाई, तो 1000 ये फोर्स ओ वन पे कितने डिस्टेंस से घूमेगा, 2 प्लस वाई, वो घूमेगा 2 प्लस वाई, करेक्ट। कैसा घूमेगा, ये घूमेगा वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है तो ओ वन पे घूमेगा वो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है, हम कौन सी साइड चेक कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड चेक कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में कैसा होना चाहिए, ये तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, लेकिन ये तो घूम रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए ये माइनस, ओके। ओ वन तक कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये फोर्स हो गया ओ वन से पहले, और कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है एक बी पे आर बी, ठीक है, तो आर बी फोर्स कितना था, आर बी था 2200 इंटू डिस्टेंस कितना है आर बी का ओ वन से, ये y इंटू y, और ये कैसे घूम रहा है, वर्टिकली अपवर्ड है तो ये घूमेगा, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज ही चाहिए, है ना, राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, देखो यहाँ पे, सो इसलिए फिर ये प्लस, और बेंडिंग मोमेंट एट ओ वन कितना है, एक्चुअली जीरो है, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना, हम क्या निकाल रहे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर निकाल रहे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर मतलब जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है वो पॉइंट, तो बेंडिंग मोमेंट ऑलरेडी वहाँ पे जीरो है लेकिन वो पॉइंट कहाँ पे, इसलिए निकाल रहे हैं, तो इक्वेशन में क्या करते हैं हम,
बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट इज जीरो इक्वल टू उसका इक्वेशन, उस पॉइंट तक कितने फोर्सेस आ रहे और कितने डिस्टेंस से घूम रहे, बस वो कैलकुलेशन लिख ले। तो पॉइंट वन पे क्या हो रहा है, 1000 ये फोर्स, 2 प्लस वाई इतने डिस्टेंस से घूम रहा है, ठीक है, उसको घूमना था एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए माइनस। उसके बाद में जो रिएक्शन फोर्स है आरबी 2200 इंटू वाई, वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आपको वाई मिल जाएगा। कैलकुलेशन पुटअप करना है कैलसी में, माइनस 1000 प्लस इंटू 2 प्लस वाई प्लस 2200 इंटू वाई इक्वल टू जीरो। सो वाई मिल जाएगा आपको 1.67 मीटर। तो इस हिसाब से हमने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी मार्क कर दिए है। तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट ए से आएगा 3 मीटर पे, और दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बी पॉइंट से आएगा 1.6 मीटर पे, ठीक है। दैट पॉइंट आर लेबल्ड एज O1 एंड O2। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू, विल स्टॉप हियर।